भोपाल रोड स्थित ग्राम खटामा में तीन घरों में घुसे चोरों ने महिला के गले पर हथियार रखकर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लूट ली। उन्होंने दो अन्य घरों को भी निशाना बनाया और हाथ साफ किया। सूचना पर बीएनपी थाना प्रभारी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार ग्राम खटाम्बा में दीपेंद्र सिंह राजपूत, शेखर सिंह राजपूत, रतन सिंह के घरों पर शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात चार बदमाशों ने नकबजनी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। रतन सिंह ने बताया कि वह सो रहे थे, इसी दौरान चोर घर में घुसे। इससे मेरी मां की नींद खुल गई और वह चोरों के पीछे गई तो उन्होंने मेरी मां के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। चोर जेवरात सहित 3 लाख रुपए ले उड़े। इसके बाद बदमाशों ने शेखर सिंह के घर वारदात को अंजाम दिया। यहां पर चोर ऊपर के रास्ते घुसे। एक कमरे में दो बच्चों के साथ शेखर सिंह की पत्नी घनी बाई सो रही थी। बदमाशों ने घनी बाई के गले पर तलवार अड़ाई और गले का हार निकाल लिया। इसके बाद कान की बाली नहीं खुली तो खींच ली, जिससे घनी बाई के कान से खून बहने लगा। इसके बाद चोर अंदर कमरे में गए और करीब 25,000 रुपए नकद भी ले गए। जिस वक्त चोरी हुई, शेखर सिंह नौकरी पर गए थे। इसके बाद चोरों ने दीपेंद्र सिंह के घर वारदात की। यहां से भी सोने चांदी के आभूषण और नकदी ले उड़े। मामले में बीएनपी थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ग्राम खटाम्बा है और यहाँ रात को 12 से 2 के बीच में 3-4 घर पे घटना घटी है और दो घर से, एक घर से चांदी ले गए और अपने यहाँ मेरे घर से मेरी पत्नी पे और मेरे बच्चों पे तलवार रख के मतलब 3 लाख के करीब सोना चांदी और पैसे ले गए। वो चार लोग आए और जब मेरी नींद खुली मेरे को लगा वो सुबह हो गई है, कोई आया है तो मैंने पूछा, मैंने कभी देखा नहीं था तो मैंने पूछा कौन, तो दरवाजा खुला हुआ था क्या बेटा? दरवाजा नहीं, वो ऊपर से लगा के आई थी तो वो मुझसे लगा नहीं। अच्छा, तो ऊपर से आए थे वो? हाँ। फिर क्या करा उन्होंने आकर? उन्होंने बोला कि चिल्लाना मत नहीं तो सब मारे जाओगे पूरे परिवार को, तो फिर उसके बाद मेरे को चुप करवाया और फिर उसके बाद मैं मम्मी से बोला वो कान की कड़ी निकाले, तो मम्मी ने, मम्मी से नहीं निकल ली थी तो उन्होंने हेज दी तो मेरी मम्मी के कान में से खून निकल आया। यहाँ पे चोरी हुई थी क्या? कुछ गया है? कौन सा गांव है और क्या घटना हुई है पूरी? खटाम्बा गांव है। हुँ? और पीछे से चोर भरा गए थे। हुँ? ताला तोड़ दिया और पलंग पेटी में 2 किलो की कड़ी थी वो ले गए। अच्छा, उस दौरान घर पर कौन था? वो तो हम तो सोए थे अंदर। अच्छा। ये घर में, अंदर वाले घर में सोए थे, इधर वाले घर से चोरी हो गई। क्या क्या सामान गया आपके यहाँ से? कड़ी गई 2 किलो की। हुँ? और पाइजेब ने कंदूरा गया। अच्छा, कितने घरों में चोरी हुई है यहाँ पे? यहाँ पे अभी 2 घर में हुई है। अच्छा, आपको मालूम नहीं पड़ा रात में? नहीं पड़ा। तो पड़ोस में भी बता रहे हैं, पड़ोस में भी कहीं तकलीफ वाला लगता है? तो सब भक्के ने एकदम उठे, आप रात को सोए थे, 2 बजे की बात है। चलो, तो आप कितनी जगह चोरी हुई पूरे गांव में? 3 जगह हुई सर। सर वो रात को चोर आए थे और अंदर गए चोर, मम्मी की जाग रही थी, मम्मी ने देखा तो मम्मी चिल्लाई और मेरा दरवाजा लॉक कर दिया बाहर से, दोनों तीनों मकान का दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद में मम्मी को सिर में पत्थर से वार किया और मैं उधर से निकल के आया, इतने में भाग गए। रात में खटाम्बा में चोरों के आने की सूचना प्राप्त हो गई थी, पुलिस दल भी आ गया था, सर्चिंग भी करी ग्रामीणों के साथ मिल करके। दीपेंद्र सिंह राजपूत हैं, इनके यहाँ पे चोरों ने इनकी माँ को जो है वो जाग गई थी तो उनको एक पत्थर मार करके घायल कर दिया था और घर में रखे हुए आर्नामेंट्स और नगद ले गए। इसके अलावा एक दीपेंद्र सिंह है, उनके घर पे भी उन लोगों ने उनकी पत्नी को चाकू दिखाकर डराकर उनसे भी जेवरात तलवार लिए थे। हम लोग तकनीकी टीम के साथ कार्य करके जल्दी टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किन धाराओं में मामला सर अभी? 458, 380 गंभीर रूप से चोरी करते समय।